बिस्मिल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट ईयर की पोइम द रेन है। नज़म एक बहुत सादा एक नज़म है, फर्स्ट पोइम है फर्स्ट ईयर की द रेन। दिस पोइम इज रिटन बाय डब्ल्यू एच डेविस। अब सबसे पहले थोड़ा सा राइटर के हवाले से हम देख लेंगे कि डब्ल्यू एच डेविस कौन था। ये थोड़ा सा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि डब्ल्यू एच डेविस, विलियम हेनरी डेविस, इज एन इंग्लिश पोइट हु वाज बोर्न इन 1871 एंड एट वेल्स एंड डाइड इन 1940। इन इंग्लिस्तान में इसकी पैदाइश हुई 1873 में और 1940 में इसकी वफात होती। ही लेफ्ट स्कूल एट अ यंग एज, यानी जब वो जवान ही था, ठीक है, नौजवान ही था कि जब उसने जो है स्कूल छोड़ दिया। एंड लिव फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एज अ पेडलर। पेडलर बेसिकली बोलते हैं गली गली जाके चीजें वगैरह बेचना, ठीक है, एंड अ बेगर इन यूएसए एंड इंग्लैंड, ठीक है। यानी कि ये मतलब गरीब खानदान से इसका ताल्लुक था, यानी गली गली जो है वो चीजें जाके बेचता था, और एज अ बेगर भी इसने काम किया, एक भिखारी के तौर पर भी काम करता रहा यूएसए अमेरिका में, ठीक है, और इंग्लैंड। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है ना इसमें राइटर का, आप लोगों ने ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो है वो ज़हन में रखना है कि डब्ल्यू एच डेविस है कौन। अब इसकी अगर टेक्स्ट की बात की जाए, इसका जो सेंट्रल थीम है, हम इसके दो स्टैंजाज हैं, ठीक है। मैं दो स्टैंजाज को शुरू करने से पहले इसका जो ओवरऑल थीम है मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, इसमें राइटर ने क्या हमें वो बताना बताया है और क्या हमें वो बेसिकली बताना चाह रहा है। अब बेसिकली दो स्टैंजे हैं। पहले स्टैंजे में, चूंकि पोइम का जो टाइटल द रेन है, वो ही हमें जाहिर कर रहा है कि इसमें द रेन के हवाले से कोई ना कोई बात होगी, यानी बारिश के हवाले से बात होगी। तो फर्स्ट स्टैंजा में उसने जो है वो बारिश का जिक्र सारा किया हमारे साथ कि जब बारिश होती है तो किस तरह जो है वो दरख्तों के पत्तों के ऊपर पानी गिरता है, ठीक है, उसको हम डिटेल में जरा डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टैंजा है वो ओवरऑल रेन के हवाले से, और दूसरा जो है कि बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो उस हवाले से उसने बयान किया है कि बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी जो है वो हर तरफ फैल जाती है और हर किस्म का अंधेरा जो है खत्म हो जाता है। तो ये विलियम हेनरी डेविस की जो है ये एक खूबसूरत नज़म है, मुख्तसर से ये नज़म है, जिसमें शायर जो है वो बारिश के मंजर को पेश करता है। शायर के बकौल जब बारिश होती है तो इससे तमाम लोग जो है वो खुश होते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के कतरों के दरख्तों के पत्तों पर गिरने से एक तरह की दिलकश आवाज पैदा होती है, ठीक है। यानी शायर कहता है कि जब बारिश होती है तो बारिश के कतरे जब दरख्तों पर गिरते हैं तो उससे जो है एक दिलकश किस्म की आवाज आती है। तो पहले स्टैंजे में इसने जो है वो हमें रेन के हवाले से सारा बताया है, ठीक है। वो हमें बताता है कि जब बारिश होती है तो बारिश के कतरे सबसे पहले जो है वो ऊपर वाली सतह के जो पत्ते हैं दरख्तों के, ठीक है, जिसे उसने यहाँ पे नाम दिया है रिच लीव्स, ठीक है। जिससे जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं अभी तो उसमें हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि रिच लीव से मुराद क्या है। फिलहाल आप इसको ये समझें, रिच लीव से मुराद ऊपर वाली सतह के पत्ते, ठीक है, कि दरख्तों के जो ऊपर वाली सतह के पत्ते होते हैं उसको हम बोलते हैं रिच लीव्स। कहता है जब बारिश के कतरे गिरते हैं दरख्तों के ऊपर तो सबसे पहले ऊपर वाली सतह के ऊपर गिरते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो निचली वाली सतह के ऊपर जो है वो गिरते हैं। तो बारिश जो है गरीब लोगों के लिए भी सुकून का बायस बनती है, ठीक है। बारिश थम जाने के बाद, ठीक है, यानी जब बारिश खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है कि सूरज की शुआएं, दूसरे स्टंजा में उसने हमें बताया है कि सूरज का निकलना, ठीक है, बारिश के बाद क्या होता है, सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी जो है वो माहौल को बड़ा जो है वो पुरकशिश और हसीन बना देती है, लोग इसी से जो है वो खुशी महसूस करते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टंजा में उसने बारिश का बताया है और दूसरे स्टंजा में बारिश के बाद जब क्या होता है, सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी आती है, ठीक है। तो ओवरऑल पहले स्टैंजा में उसने हमें बता दिया कि बारिश का मंजर है और दूसरे में क्या है, सूरज का निकलना। अब राइटर इसके हिडन मीनिंग्स भी हैं, ठीक है, हमने एक लफ्ज़ ही तो पढ़ लिया मतलब
कि वो मतलब हमें क्या कहना चाह रहा है। तो टेक्स्ट पढ़ने से पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि राइटर हमें इस नज़म के जरिए, इस छोटी सी नज़म के जरिए क्या पैगाम देना चाह रहा है वो, ठीक है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है वो इस पॉइंट नज़म के जरिए। अब बेसिकली इसके कुछ पोशीदा मफहूम भी हैं। पोशीदा मफहूम इसका क्या है? अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, रिच लीज। रिच लफ्जी माने क्या होते हैं? अमीर, ठीक है। हम अमीर किसे बोलते हैं? आम माशरे में के अंदर रिच का लफ्ज उस बंदे के लिए इस्तेमाल होता है जिसके पास जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हो, ठीक है। और पुअर किसे बोलते हैं? ठीक है, थर्ड लाइन में ये वर्ड लिखा है पुअर। पुअर बेसिकली उसे बोलते हैं जिसके पास जरूरियात जिंदगी की सहूलियात मैसर ना हो। तो शायर हमें ये बताना चाह रहा है कि माशरे में जो ऊपर की सतह के लोग होते हैं, यानी अमीर लोग जो होते हैं ना, वही जो है उन्हें ही हर तरह की सहूलियात मैसर होती हैं। वो अमीर लोग जो है वही कौमी जराए से ज्यादा जो है वो फवायद हासिल करते हैं और लुत्फानंदोज होते हैं, ठीक हो गया। यानी हमें बताना वो ये चाह रहा है कि हमारे माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर जो अमीर लोग हैं, बस वही जो है वो हर किस्म की सहूलियात उन्हें मैसर है और वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं, ठीक है। जबकि जो गरीब है वो कभी कभार फायदा जो है वो हासिल करते हैं, इसलिए वो दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होते जाते हैं, ठीक हो गया। और जैसे हमने पहले स्टैंजा में देखा कि बारिश का कतरा जब गिरता है तो सबसे पहले कहाँ पे गिरता है? ऊपर वाली सतह के ऊपर, और फिर उसके बाद वो दूसरी सतह के ऊपर गिरता है। तो शायर हमें यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि दुनिया में जितने भी जितनी भी सहूलियात दी जाती हैं, सहूलियात मैसर हैं, वो अमीर लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो हमें वो ये भी बताना चाह रहा है कि इस माशरे के अंदर अमीर लोग जो है वो इस्तेहसाल करते हैं, ठीक है, वो गरीब लोगों के हकूक जो है खुद छीन लेते हैं क्योंकि वो ताकतवर होते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये वो हमें वो जो है वो बताना चाह रहा है। तो दूसरा, इसमें हमें बारिश की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो बारिश की एक खास अहमियत है। बारिश की जो है वो उसकी अलामती अहमियत भी है, यानी बारिश जो है वो उम्मीद और खुशी की एक अलामत है, ठीक है। दरख्त जो है वो फितरत की एक हसीन अलामत है, ठीक है। गरीब जो होता है वो बेगर शख्स सर्दी और गीले मौसम की मुसीबत में जो है मुबतला हो जाता है, यानी गरीब लोग जो होते हैं जब बारिश होती है तो मुमकिन है उनके पास जो है वो कोई ऐसे वसायल ना हो जिसके जरिए वो बारिश से बच सकें, तो उनके लिए एक मुसीबत, वो मतलब उसमें मुसीबत में जो है वो मुबतला हो जाते हैं। मगर इसके बावजूद, ठीक है, मगर इसके बावजूद जो है इसके लिए ये खुशी की भी अलामत होती है, ठीक है, जो बारिश के बरसने से पैदा होती है। और एक गरीब जो है वो उम्मीद करता है कि बारिश के बाद धूप निकलेगी, और धूप का मंजर जो है, जब धूप निकलेगी तो उनकी जितनी भी मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी गरीब जो है वो उम्मीद करता है, यानी सेकंड स्टैंजा में उसने हमें बताया सूरज का निकलना, ठीक हो गया। तो गरीब जो होता है वो उम्मीद है उसकी, वो एक उम्मीद पर कायम है कि भाई जब बारिश खत्म होगी, ठीक है, बारिश खत्म होगी तो उसके लिए अच्छा वक्त आएगा, उसके तमाम मसाइब जो है, उसकी तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, और वो उम्मीद करता है कि बारिश के बाद धूप का निकलना उसके लिए खुशी की अलामत होगा, एक खूबसूरत मंजर होगा, ठीक है। मुमकिन था कि वो बारिश के अंदर मुसीबत में था और जो जैसे ही सूरज निकला तो उसकी तमाम मुसीबतें खत्म होगी। तो इसका एक तो ही मतलब ये दो है, इसके हिडन मीनिंग्स है। तो आइए हम इसके टेक्स्ट को जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है, साथ साथ इसके जो है वो देखते हैं। आई हेयर, पहला स्टैंजा है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। आई से मुराद शायर खुद है, ठीक है। तो यहां पे हमें शायर क्या बताना चाह रहा है? आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। शायर कहता है कि मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ। आई हेयर रीच लीव्स ऑन टॉप। मैं ऊपर वाले जो पत्ते हैं, ठीक है, रीच लीव से मुराद मैंने फिर आपको बताया कि जो ऊपर वाली सतह के पत्ते हैं, ठीक है, ऊपर वाली जो सतह के पत्ते हैं उनको सुनता हूँ। गिविंग द पुअर मिनट ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। वो निचली जो सतह के पत्ते होते हैं उनको देते हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कतरा ब कतरा जो है, एक कतरे के बाद दूसरा कतरा जो है वो दे रहे हैं। यानी बारिश होती है, मुराद इसे क्या है कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले बारिश का जो कतरा है वो ऊपर वाली सतह के ऊपर गिरता है,
और उसके बाद कतरा जो है वो निचली वाली सतह के ऊपर गिरता है. दिस अ स्वीट नॉइज टू हेयर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर. शायर कहता है कि अपने नजदीक इन सरसब्ज पत्तों को पानी पीते हुए सुनना एक खुशगवार शोर है. समझ आई? दिस अ स्वीट नॉइज टू हेयर, ये कहता कि इस चीज को सुनना एक बड़ा खुशगवार है. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग रेन, कहता अपने नजदीक इन सरसब्ज पत्तों को पानी पीते हुए, ठीक है, यानी जब बारिश का पानी पत्तों के ऊपर गिरता है तो एक खूबसूरत किस्म की आवाज आती है. तो शायर कहता है कि ये आवाज जो है मेरे लिए सुनना बड़ी एक खुशगवार एक किस्म का शोर है. अब यहाँ पे दो वर्ड आपके सामने आए हैं, रिच लीव्स. अगर इसकी हम बात करें तो इससे मुराद दरख्त की बुलंदी पर मौजूद सरसब्ज पत्ते होते हैं, ठीक है. ये बारिश का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं. क्यों? क्योंकि टॉप पर होते हैं, ठीक है. अब सिंबॉलिकली अगर अलामती तौर पर हम बात करें तो इससे मुराद क्या है? माशरे के जो अमीर लोग होते हैं जिनको माशरे की तमाम सहूलियात मुयसर हैं, ठीक हो गया. उसके बाद यहाँ पे आया है पुअर. पुअर लीव से मुराद अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि गरीब पत्तों से मुराद क्या है शायर, तो इससे मुराद ये है जो निचली सतह के पत्ते हैं, ठीक है, यानी इनके ऊपर बारिश का पानी डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं गिरता, ठीक है. इन पर गिरने से पहले बारिश का पानी जो है वो ऊपर वाली सतह के ऊपर गिरता है, फिर इनके ऊपर गिरता है. तो अलामती तौर पर ये माशरे के निचले, ठीक है, और गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरियात ज़िंदगी मुयसर नहीं होती, या जिनके ऊपर अमीर लोगों का असर जो है वो एक वाजिया तौर पर होता है. नंबर सेकंड स्टैंजा है, when the sun comes out. शायद यहां पर कहता है और जब सूरज बाहर निकल आएगा, after this rain shall stop. तो सूरज निकलने के बाद क्या होता है? बारिश रुक जाती है. A wondrous light will fill each dark round drop. ठीक है, एक हैरत अंगेज रोशनी से भर जाएगा, ठीक है. A wondrous light will fill, कि एक हैरान को रोशनी जो है वो भर देगी. Each dark, हर तारीख, round drop, गोल कतरे. I hope the sun shines bright. मैं मुझे उम्मीद है कि सूरज खूब चमकेगा. It will be a lovely sight. ये एक खूबसूरत मंजर है, मंजर होगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस. तो ये आपकी पॉइंट थी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आएगी. अगर हम इसकी वोकैबुलरी की बात करें, ठीक है, मीनिंग्स, तो लीव्स से बेसिकली मुराद पत्ते हैं, रिच से मुराद अमीर, ठीक है. यहाँ पे अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अबंडेंट के मानों में भी आएगा ये. नंबर सेकंड आपका वर्ड यहाँ पे आ रहा है पुअर, तो अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो मतलब थिन, स्कैटर्ड, ठीक है. बीनीथ से मुराद होता है नीचे, बिलो, अंडर. और वंडरस, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. वंडरस होता है हैरत अंगेज, शानदार, ठीक है. इसको हम हैरत अंगेज भी कह सकते हैं, शानदार. तो इसकी अगर हम सिनोनिम की बात करें, मार्वेलस, वंडरफुल, अमेजिंग. तो ये जी आपकी आज वाली नज़म, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी और इसके जो हिडन मीनिंग्स हैं वो भी आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी. इसके क्वेश्चंस अगर देखें तो क्वेश्चन जो है वो इसका एक ही शायद बन रहा होगा कि राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम. इसमें पोइम का जो सेंट्रल थीम है वही आपका आ जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड. उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोइम समझ आई होगी. हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. अल्लाह हाफिज़.